नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक मार्क्स का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोल है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर BSc का, यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, सभी का यहाँ पर जो रेवोल्यूशन का फोरम यहाँ पर लग रहा है, तो उसको किस तरीके से फिल करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। तो रेवोल्यूशन का फॉरम फिल करके आपको बताऊंगा। तो UG का कोई सा भी आप फिल करना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप फिल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूनिराज सर्च करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, univraj.org। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, डायरेक्ट पेज पे चले जाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। कुछ इस तरीके से पेज आएगा, इसमें आपको जो है वो यहाँ पर रेवोल्यूशन का ऑप्शन आपको मिलेगा साइड में, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन फॉरम, जिसमें आपको यहाँ पर इधर साइड में आपको यहाँ पर जो है वो उनके बारे में बताया गया है। यहाँ देख सकते हो BSc पार्ट सेकंड ईयर का, BSc फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर सभी का यहाँ पर हो चुका है स्टार्ट। 18 जुलाई तक यहाँ पर जो है वो हो रहा है, और अगर बात करें यहाँ पर सेकंड ईयर का, ये 17 जुलाई तक यहाँ पर होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है। तो अप्लाई फॉर रेवोल्यूशन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि UG सेलेक्ट किया, UG सेलेक्ट करने के बाद में BSc सेलेक्ट किया, BSc के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑनर्स, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे कि क्लिक कर दिया, अब हमारे पास में आ रहा है ऑप्शन कि यहाँ पर अपने रोल नंबर यहाँ पर डालिए। क्या यहाँ पर रोल नंबर BSc फर्स्ट ईयर का जो भी आपके रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल के आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल लिया है, और डालने के बाद में जो है वो आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे क्लिक किया, आपके पास में पॉपअप आएगा कि 50% पेपर को आप रेवोल्यूशन में लगा सकते हो। और प्रोसीड पर ओके पर क्लिक किया, हमारे सामने पेज आ जाता है जिसमें आपकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में आपको जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, फेल, पास, सप्लीमेंट्री, जो भी आ रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या आपको देखने को मिल रहा है अगर बात करें तो, यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने कितने मार्क्स आपको लाए, कौन से पेपर में लेके आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें आपको जो है वो पेपर थ्योरी नंबर क्रम में यहाँ पर देखने को मिलेगा पेपर क्रम, और उसके साथ में मैक्सिमम मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स के आपका पेपर यहाँ पर जो है वो हुआ था, कितने मार्क्स आपने अटेंड किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिसमें भी आपको यहाँ पर रेवोल्यूशन का लगाना चाहते हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। एक सब्जेक्ट से ज़्यादा भी लगा सकते हो, 2, 3, 4 जो भी लगाना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, हमारे पास में न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर जो है वो डिटेल फिल करनी होगी, अपना एड्रेस, एड्रेस के साथ पिन कोड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के आपको जो है वो फिल करना है। और उसके अमाउंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 430 यहाँ पर जो है वो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अमाउंट आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो 430 रुपये, दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो 860 रुपये, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट का 430 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। तो सभी डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिए। यहाँ पर एड्रेस है आपका, परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आना होगा। नीचे आपको जो है वो अपना सब्जेक्ट जो भी सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको देखने के बाद में प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सभी डिटेल फिल करने के बाद में प्रोसीड पर जैसे क्लिक किया है, प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हैं हमारा चालान जो है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आपका चालान यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चालान नंबर आपको नोट डाउन कर लेना होगा, ये फॉर्म नंबर, चालान नंबर, या फिर इसका आपको सबसे पहले प्रिंट ले लेना होगा, ताकि आपको अगर पेमेंट किसी प्रकार से कोई भी अटक जाता है तो उसमें आपको जो है वो इस आपकी हेल्प कर सके। तो प्रिंट लेने के बाद में मैक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। मैक पेमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं हम, आप यहाँ पर जाते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ, और पेमेंट गेटवे की तरफ जाके हमें पेमेंट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके प्रोसीड नाउ पर क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड नाउ पर जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ से हम कार्ड डिटेल नंबर ये सब कुछ डाल के पेमेंट कर पाएंगे। तो बस कुछ इस तरीके से आप अपना जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। जो आपको यहाँ पर जैसे कंप्लीट पेमेंट करते हो तो आपको रेवोल्यूशन का फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसे जो है वो प्रिंट करके आप अपने पास में रख लीजिएगा। तो फिलहाल गाइस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।